जय हिंद एवरी वन आई सुबंजम चैनल ऑफ द डिफेंस अकेडमी सो आई एम अगेन हेयर विद्यू सी बायोलॉजी के बायोलॉजी एम सी क्यूज ओके सो आज हम इस सीरीज में फिर से कुछ क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे उसके आंसर्स देखेंगे एंड इसमें ज्यादातर क्वेश्चन जो है वो आपके पी वाई क्यूज है तो जिससे आपको एक आइडिया मिलेगा कि किस तरीके के क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में तो पूछे जाते हैं चलिए टाइम बिना वेस्ट करे हुए करते हुए आगे बढ़ते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ तो दर्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट फ्लोएम इज करेक्ट तो इसमें से आपको बताना है कि फ्लोएम के रिगार्डिंग जो है वो इसमें से कौन सा सेंटेंस करेक्ट है फ्लोएम ट्रांसपोर्ट वाटर एंड मिनरल्स ऑप्शन बी फ्लोएम ट्रांसपोर्ट फोटोसिंथेटिक प्रोडक्ट ऑप्शन सी फ्लोएम इज अ सिंपल टिश्यू ऑप्शन डी फ्लोएम गिव सपोर्ट टू द प्लांट ओके okay, तो जैसे कि आप लोगों को पता है कि फ्लोएम वाटर एंड मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट नहीं करता है उसके लिए आपका होता है जाइलम नेक्स्ट आता है फ्लोएम ट्रांसपोर्ट फोटोसिंथेटिक प्रोडक्ट्स यस इसका मतलब क्या है कि जो भी फूड प्रिपेयर होता है किसी प्लांट के अंदर तो वो ट्रांसपोर्ट फ्लोएम के थ्रू होता है नेक्स्ट आता है फ्लोएम इसे सिंपल टिश्यू नहीं ये है आपका एक कॉम्प्लेक्स टिश्यू नेक्स्ट आता है क्या फ्लोएम सपोर्ट करता है प्लांट को नहीं तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन बी ओके okay, क्योंकि जो प्लांट को सपोर्ट देने के लिए होता है जो कि आपके लास्ट ऑप्शन में है तो वो होता है आपका जायला ओके सो करेक्ट ऑप्शन क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर वन का रहेगा ऑप्शन बी ओके चलिए यस ये रहा आपका ऑप्शन बी चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं मैच्योर स्क्लेर कायमा सेल्स तो आप सभी को हम लोगों ने क्लासेस में कवर किया हुआ है पेरन कायमा कॉलन कामा स्कलेर कायमा चीनी टाइप के सेल्स हम लोगों ने पढ़े हुए हैं तो उसमें से आपके जो मैच्योर स्कलेर कायमा है उसके बारे में बात की जा रही है मैच्योर का मतलब क्या होता है कि वो एक अपनी फुली uh, कह सकते हैं ना एक अडल्ट स्टेज में है इस टाइम तो उसके अंदर क्या कैरेक्टरिस्टिक होंगे सो पहला ऑप्शन है सेलोलोज बॉल एंड आर लिविंग लिविंग होते हैं लिग्निफाइड बॉल एंड आर लिविंग सबराइज बॉल एंड आर डेड लिग्निफाइड बॉल एंड आर डेड तो जितने भी स्टूडेंट्स क्लासेस uh, करते हैं एकेडमी की उनको पता होगा कि इसका करेक्ट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन डी एंड ये भी एक तरीके का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो कि पूछा जाता है एंड काफी बार पूछा भी गया है कि मेचर स्कमा clear... के अंदर आपको क्या देखने के लिए मिलेगा तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी इसकी जो सेल्स होती है वो लिग्निफाइड होती है उसके अंदर लिग्निन होता है जिसकी वजह से वो काफी ज्यादा टफ हो जाता है एंड वो जनरली प्रोटेक्शन uh, का काम करता है ठीक है सपोर्ट सपोर्ट का काम करता है एंड ये आपके डेड होते हैं मेच्योर ठीक है जैसे ये मेच्योर होते हैं ये डेड हो जाते हैं एंड इनके अंदर जो uh, ये डिहाइड्रेट हो जाते हैं इनके अंदर जो भी प्रोटोप्लाज्म होता है ना वो काफी कम अमाउंट में हो जाता है एंड धीरे धीरे वो पूरा डिहाइड्रेट हो जाते हैं नेक्स्ट आता है ऑप्शन क्वेश्चन नंबर थ्री अमोक्सिलेन टॉक्सीसाइक्लिन एथर एथ्रोमाइसिन एंड पेनिसिलिन आर एग्जांपल्स ऑफ ओके तो जैसे कि इसका नेम ही आपको बता रहा है एंड आप लोगों को अगर पहले के ऑप्शंस इसमें नहीं क्लियर है तो कहीं ना कहीं इस तरीके के क्वेश्चंस में ना स्टूडेंट एक ना एक पॉइंट ऐसा होता है जो कि बहुत ज्यादा कॉमन होता है जैसे कि इसमें क्या है आपका पेनिसिलिन है तो आप लोगों को पता है कि पेनिसिलिन क्या है पेनिसिलिन एक तरीके की एंटीबायोटिक है जिससे आप इजिली से मार्क कर सकते हैं कि बैक्टीरिया है पैथोजन है एंटीबायोटिक है वैक्सीन है तो इसका करेक्ट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर सी ओके एंटीबायोटिक्स Just a minute, yeah. So the correct option is option number C. Yes. Which one of the following gland is large sized at birth but reduces in size with aging? Option A. penile B. Pituitary. C. Thymus. And D. Thyroid. Yeah. तो so ये भी हम लोगों ने अपनी क्लासेस में कवा किया हुआ है. तो इसका करेक्ट ऑप्शन रहेगा थाइमस. ठीक है. Option number C. थाइमस का क्या होता है स्टूडेंट्स की जब एट द टाइम ऑफ बर्थ किसी भी फ्रेंड के अंदर किसी भी पर्सन के अंदर इसका साइज सबसे ज़्यादा होता है एंड ये इम्यूनिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है ये टी टी इंफोसाइज जो होते हैं आपके वो थाइमस में ही जाकर मेच्योर होते हैं एंड कहीं ना कहीं एजिंग के साथ इसके साइड साइज रिड्यूस होने की वजह से इम्यूनिटी भी इफेक्ट होती है इसलिए जितने भी ओल्ड एज पर्सन होते हैं ठीक है उनके अंदर ये देखने के लिए मिलता है कि उनकी इम्यूनिटी वीक हो जाती है तो उसका एक कहीं ना कहीं फैक्टर ये भी रहता है ऑप्शन सी मै नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर फिफ्थ की तरफ, okay, तो आप लोगों को पता होगा इसका करेक्ट आंसर क्या है क्योंकि हम लोगों ने डिसीजेस का पार्ट ऑलरेडी कवर किया हुआ है ओके okay, तो इसमें क्या आएगा ऑप्शन ए एंटामीबा हिस्टोलाइटिका इलाई स्ट्रेप्टोकोसि फाइटोन फौईट, फौईट, तो इसका करेक्ट ऑप्शन रहेगा एंटामीबा हिस्टोलाइटिका जो आपकी डाइसेंट्री होती है ये कॉज होती है की वजह से, ओके? सो so, इसमें काफी ज्यादा डायरिया वगैरह होता है ओ, मतलब डायरिया रहता है एंड डिहाइड्रेशन होता है बॉडी में ये सारी चीजें रहती है तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर सिक्स की तरफ बढ़ते हैं क्वेश्चन so में मार्क करिएगा कि वहां पर आपका जो नॉट है वो वहां पर गिवेन है या नहीं इसके पूरा क्वेश्चन चेंज हो जाता है कभी -कभी बच्चे जल्दी इसको देखते नहीं है तो so, किसके the लिए अप्लाई नहीं की जाती है ऑप्शन ए एलगी ऑप्शन बी वायरस ऑप्शन सी बैक्टीरिया एंड ऑप्शन डी फंगस तो आप सबको पता है इसका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन बी वायरस ओके चलिए नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर सेवन पर विच मैरिस्टम हेल्प इन इंक्रीजिंग द ऑफ़ ए प्लांट ये भी हम लोगों ने कवर किया हुआ है प्राइमरी मैरिस्टम एपिकल मैरिस्टम इंटरकैलरी मैरिस्टम एंड लेटरल मैरिस्टम ओके okay, तो ये क्या होते हैं मेरिस्टमेटिक टिश्यू के रिगार्डिंग है ये ऑफ प्लांट्स ने आप लोगों ने कवर किया हुआ है प्राइमरी मेरिस्टम एपिकल इंटर कैलोरी मेरिस्टम एंड लेटरल तो आप लोगों को इसका करेक्ट ऑप्शन पता होगा जिसने भी क्लासेस प्रॉपरली की हैं तो आंसर रहेगा इसका ऑप्शन डी लेटरल मेरिस्टम तो लेटरल मेरिस्टम क्या होते हैं स्टूडेंट जैसे कि आपका ये ट्रंक रहता है ना किसी भी ट्री का तो उसकी जो गिर्थ है उसका जो डायमीटर है उसको इंक्रीज करने के लिए लेटरल मेरिस्टम रेस्पॉन्सिबल होते हैं बाकी एप्पिकल एंड इंटर कैलोरी डिफरेंट लोकेशन पे होते हैं और इनके फंक्शन भी डिफरेंट होते हैं जैसे कि एप्पील क्या होता है शूट रीजन में प्रेजेंट होता है एंड वो जनरली हाइट वगैरह के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है शूट रीजन में टिप ऑफ द शूट एंड द टिप ऑफ द रूट वहां पे प्रेजेंट होते हैं इंटर कैलोरी जनरली स्टेम में प्रेजेंट होते हैं ड्रॉस के अराउंड प्रेजेंट होते हैं एंड लेटरल आपके गिर्थ के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं लेटरल मेरिस्टम्स को ना सेकेंडरी मेरिस्टम भी बोला जाता है क्योंकि प्राइमरी मेरिस्टम आपके एपिकल एंड इंटर कैलरी होते हैं तो जब तक वो फंक्शनल रहते हैं तब तक लेटरल इतना फंक्शनल नहीं रहता बट एक बार उनकी ग्रोथ रुक जाती है एपिकल एंड की आफ्टर दैट हैल वर्क करता है एंड डायमीटर इंक्रीज होता है चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर एट की तरफ वन ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन द हार्ट बीट इन मैमल्स तो इसमें से किस हार्मोन की वजह से हार्ट बीट इंक्रीज होती है मैमल्स के अंदर ऑप्शन ए इंसुलिन ये मेलाटोनिन एंड ऑप्शन सी थायरोक्सिन ऑप्शन डी एडोन इसका स्पेलिंग मिस्टेक है ओके okay? सो so, ये आपका मेलाटोनिन है तो so, इसका करेक्ट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन डी ओके तो आप लोगों को पता है इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं लिक्विड वेजिटेबल ऑयल्स आर कन्वर्टेड टू सॉलिड मार्गेनाइ बाय द यूज ऑफ हाइड्रोजन गैस क्लोरीन गैस कार्बन डाइऑक्साइड गैस या ऑक्सीजन गैस ये अभी क्वेश्चन uh, आया है ये पी बाई क्यू है तो आपको याद होगा कि जो वेजिटेबल ऑयल्स हैं उनको कन्वर्ट करने के लिए प्रोसेस होती है जिसका नाम होता है हाइड्रोजनेशन ओके okay, अगर मैंने यहाँ पर डायरेक्टली पूछा होता हाइड्रोजनेशन प्रोसेस में किसको यूज किया जाता है तो आप लोग डायरेक्टली बता देते कि हाइड्रोजनेशन है तो डेफिनेटली इसके अंदर कहीं ना कहीं हाइड्रोजन यूज होगा बट अगर क्वेश्चन को थोड़ा सा ट्विस्ट कर दिया जाता है तो आप थोड़ा कंफ्यूज हो सकते हो ठीक है तो याद रखना इसका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन ए हाइड्रोजन गैस चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर की तरफ ये लास्ट क्वेश्चन है आपका इस सीरीज का बिलोंग्स टू तो इसमें ऑप्शन है यो बैक्टीरिया डायनोफ्लेसलेट स्लाइन मोल्स एंड आर की बैक्टीरिया ये भी हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं तो करेक्ट आंसर बताइए इसका करेक्ट तो आंसर रहेगा इसका आर की बैक्टीरिया अब आपको पता है कि जो यू बैक्टीरिया है आर की बैक्टीरिया है ये किसकी सब क्लासिफिकेशन है ये मोनेरा की सब क्लासिफिकेशन है सो so, मोनेरा में मोनेरा को टू पार्ट में डिवाइड किया जाता है एक आपका होता है एक आपका होता है यू बैक्टीरिया एक होता है आपका आर की बैक्टीरिया तो मोनेरा में ही आपका जो यू बैक्टीरिया होते हैं ज्यादातर जितने भी बैक्टीरिया है ना आपकी अर्थ पर वो सभी आपके यू बैक्टीरिया में कंसीडर किए जाते हैं बट आर की बैक्टीरिया स्पेशल टाइप के बैक्टीरिया होते हैं इसकी जो वॉल होती है ना वो डिफरेंट होती है जिसकी वजह से टफ क्लाइमेट में भी सरवाइव कर सकते हैं जिसमें एक रहता है आपका एसिडोफिल्स रहते हैं आपके काफी सारे और भी एग्जाम्पल्स हैं तो उसमें से एक आपका मैथोनोजेंस है ये गट ऑफ एक कैटल में देखने के लिए मिलता है ओके सो द करेक्ट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर टेंथ इज ऑप्शन डी ओके सो अगर आपको ये सेशन हेल्पफुल एंड आपको इसमें कुछ नॉलेज कंटेंट लगा हो तो प्लीज डू लाइक एंड सब्सक्राइब अवर चैनल एंड हमारे साथ जुड़े रहिए एंड काफी सारे और नॉलेजेबल कंटेंट के लिए ओके सो जय हिंद एवरीवन थैंक यू एंड ये मांगे यूनिफॉर्म